थोड़ा मुश्किल हो रहा है मम्मी के हाथ से अभी खाना। गुड मॉर्निंग फूड फैम एंड वेलकम टू माई वर्ल्ड ऑफ सिंपल ईटिंग। सो आज की वीडियो इज स्पेशली फॉर ऑल माई सिंगल एंड ऑल माई मिंगल्ड फूड फैम बिकॉज इट्स वैलेंटाइंस डे। For me, my Valentine's is always my family, my mom. Because when I came into this world, she was the first person whom I looked at, जिनको मेरी आँखों ने देखा था. And जब मैं daily भी अपनी normal life में भी जब मैं सबसे पहले उठती हूँ, मैं अपनी माँ को देखती हूँ. And she is my core sport, she is everything. So आज के इस video में जो है twist, because ये मैं normal करती हूँ day to day life में, but आज मैं आप लोगों के साथ share करूँगी, which is I'm going to eat everything. जो भी मैं आज पूरे दिन खाऊंगी वो मैं अपनी माँ के हाथों से खाऊंगी. Guys, literally मैं यही करती हूँ. मैं जब वीडियो शूट नहीं हो रहा होता है ना, always eat all my meals with my mom's hand. पता नहीं एक अलग सुकून मिलता है. So चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. मम्मी अभी पूजा कर रही है. पूजा करने के बाद फिर वो मेरे को मेरा फर्स्ट मील खिलाएगी. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है ना क्या करना है. आपको करना है 30,000 का लाइक टारगेट. जल्दी से लाइक टारगेट पूरा करो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर डेली डिलीशियस अपडेट्स. गुड मॉर्निंग मम्मी, हैप्पी वैलेंटाइंस डे. हैप्पी वैलेंटाइंस डे. थैंक यू. मॉर्निंग में यूजुअली मैं ये खाती हूँ. पहले भी बहुत सारे वीडियोस में मैंने दिखाया, विच इज आई हैव ग्रीन टी. ये ग्रीन टी एंड आई ईट टोस्ट. तो ये आपको खिलाना, मेरे मम्मी के हाथ से पूरा दिन खाऊंगी. आई एम सो एक्साइटेड. वैसे तो चाय अपने डेली खाती हूँ. चाय भी लेती है, खाना मैं खिलाती हूँ. खाना चाय टोस्ट भी मैं ही खिला रही हूँ. आप भी मेरे तरह कमेंट करिए. ऐसे लग रहा है मम्मी का हाथ से चाय पी के, क्योंकि मम्मी का हाथ से तो चाय नहीं पीती है. चाय में भी अलग टेस्ट आ गया. यही प्रॉब्लम है. मम्मी लोग जल्दी जल्दी खिलाती है. बहुत ज्यादा काम सटाना होता है ना. मम्मी लोग का बहुत काम भी तो रहता है ना. जो भी मेरे फूड फैम हुआ सिंगल, डोंट बी अपसेट गाइस. वैलेंटाइंस डे डज नॉट मीन कि आपको बॉयफ्रेंड होना पड़ेगा, राइट? बट फॉर मी वैलेंटाइंस का मतलब होता है टू सेलिब्रेट विद योर लव्ड वंस, हूएवर इट कैन बी. इट कैन बी योर डॉग लाइक माय सिंजू. माय फैमिली इज माय वैलेंटाइन. चलो ठीक है, मैं ये फिनिश कर ली. अब मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद में लंच में मम्मी बताएगी मेरे को क्या खिला रही है. वो तो मैं पेपे सिद्धो खाबो, बेगुन पोड़ा खाबो, दाल दिए भात माछ भजन. तो ये हम लोगों का नॉर्मल खाना यही होता है. व्हेन आई एम नॉट शूटिंग, जो मेरा नॉर्मल मील होता है, आई स्टार्ट ऑफ विद दिस. आजकल जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैंने अपने डाइट में बहुत फिश ऐड किया, तो आई एम हैविंग कातल माछ या रुई माछ. कातल माछ डेली मैं कातल माछ भाजा और दाल भात खाती हूं. पेपे सिद्धो यस्टरडे आई हैड करेला बॉइल, सो आज मेरे को पेपे सिद्धो खाने को. এটা কেন খায় জানিস? শত্রুকে পোড়ানো হয় শনি মঙ্গলবার পুড়িয়ে খাওয়া হয় বেগুন পোড়া. আমার শত্রু তো তুমি, সারাদিন পেঁপে সিদ্ধ উচ্চ সিদ্ধ খাচ্ছ. তো শনি মঙ্গলবার বেগুন পোড়া খাওয়াচ্ছি. আমি জানো শত্রু না থাকি আর. मैं ये बैंगन पूरा खा रही था कि बिट्टू भैया मेरा जो दुश्मन है वो. तेरा वीडियो बंद हो जाए. रेकी दाल, मसूरी दाल, आम दिए टॉकेट दाल. बा बा बा. मम्मी लोग के हाथ से खाने का ना अलग ही मजा. कि मम्मी खिलाती रहते पता ही नहीं चलता और खाते रहते हैं. कितना
ऐसे ठूस ठूस के खिलाती है। अभी कैमरा ऑन है, बोले आस्ते आस्ते खिला रही हूँ, मेरे को भूख लग रहा है, मैं जल्दी खत्म कर लेती हूँ। वीडियो जे जे देखछे सबार बच्चा ना देख माय हाथ पे खा ले रखो हैं और खाए जा रही है। मेरे खाने से प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ऑलरेडी मेरे इनकम पे टैक्स लगा रहा है और आप मेरे खाने पे टैक्स लगा दो। खा के तो हो जा रही है। आज के वीडियो जे देखबे सब बच्चा ना बाके बोलबे खाई दाओ मां खाई दाओ, सब खाबे, पेपे बातें खाबे, उच्चे सिद्ध खाबे। प्रमोशन कर रही है क्या मम्मी का खाने का, टैक्स का, सबका पेट प्रमोशन कर दी कुछ बहुत ही प्यारे लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए तो मैंने सोचा उनको एड्रेस करूं। टेल मी वन थिंग, व्हाट इज स्पॉन्सर्ड वीडियो, नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो, हाउ डज इट इवन मैटर, लाइक हाउ डज इट इवन इम्पैक्ट माई कॉन्टेंट, लाइक क्या मैंने इस वीडियो में कम खाया? नो। क्या मैंने इस वीडियो में खाना कम दिखाया? नो। क्या आप नए हैं मेरे चैनल पे? शायद लगता है। क्या आपने मेरी 24 आवर चैलेंज की प्लेलिस्ट नहीं देखी? शायद। तो जल्दी से जाके देखिए। जो मेरे पुराने फूड फैम है उनको पता है, जो मेरे नए फूड फैम है उनको बता देती हूँ। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट जाके देखेंगे और सारी कंटेंट अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा दैट हाउ मच आई लव फूड एंड हाउ मच आई अप्रिशिएट फूड। I think 0.00001% होगा when I actually get upset with food. Otherwise, this channel is all about eating. This channel is all about loving food. And this channel is all about promoting. Yes, promoting. Promoting the love for food. So guys, I am not a food critic. Na main food reviewer hoon. I enjoy food. I enjoy eating. And that's what I share in this channel. And regarding me being a good actor. Guys, ye bahut unfair hai, haan? 24 आवर चैलेंज की सीरीज को छोड़ के जितनी भी कंटेंट मैंने पुट की है उसका मतलब आपको मैं उसमें अच्छी एक्टर नहीं लगी। हाँ, दैट्स वेरी पार्शियल, हाँ, दैट्स अनफेयर, वेरी अनफेयर। एंड ऑल्सो जो मेरे पुराने फूड फैम उनको पता ही होगा दैट हाउ मच आई प्रायोरिटाइज फैमिली एंड द लव द रिस्पेक्ट फॉर फैमिली। सो जो नए फूड फैम है अब आप मेरे चैनल में आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे हर कॉन्टेंट में माई फैमिली इज ऑलवेज देयर एंड आई एम सो प्राउड दैट दे सपोर्ट मी इन वट एवर आई डू। Because of my food family, my family has actually got that confidence in me and they also enjoy participating in my video. And shayad yahi ek reason hai ki I and you, we together have formed a very strong food family. No matter what, my love and my genuinity towards food will never change and the way I eat will never change. जो ओवन स्टोरी पिज्जा का बोल रहे हो ना उस पर मैंने ज्यादा एम्फेसिस पता है क्यों दिया है? Because it's a Indian pizza brand. And I think we all should support it and we should put more emphasis to it. So definitely try out their mutton overloaded pizza because that's yum. Ab main jaati hu yaar. Oh, lastly main bolna bhul gayi. Aap log sponsorship ka baat kar rahe the na. Agar is tarah se sponsorship hoti hai तो फिर तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, इंस्टाग्राम की स्टोरी में बोलती हूँ पिता बॉयल खाओ, करेला बॉयल खाओ, घर का खाना खाओ, मम्मी की बात सुनो। तो फिर तो इस हिसाब से सारी मम्मी लोगों ने मुझे स्पॉन्सरशिप दिया है। गाइज अब मैं फाइनली जा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को बहुत लेट हो रहा है, मैं बहुत बात कर ली। अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लगी ना प्लीज कंसिडर लाइकिंग द कॉन्टेंट। मैं तो खाना बंद नहीं करने वाली। सो मेरे फूड फैम को तो मैं ऐसी बहुत पसंद हूँ। और जो हेटर्स है अगर कोई है भी, हेट मी और लव मी बट यू कैन इग्नोर मी। क्या हुआ पूजा हो गया आपका? पूजा हो गया। क्या ली? तो वो गिर गया। तुझे पसंद है ये? नहीं अपने हाथ से नहीं खा सकती। अरे क्या बोल रहे हैं? क्यों अच्छा नहीं लगेगा? आपका दर्शन अलग होता है। आपको मैं बहुत पसंद हूँ ना? हाँ मंडे को मिलते टाटा बाय सुष्मिता, यू विल बी इन माय व्लॉग। सो आई एम डन विद माय ऑफिस एंड आई एम वेरी 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 हंग्री एज ऑफ नाउ। सो एक क्वेश्चन का आंसर देना था, अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी जब मैंने ऑफिस के क्लिप्स दिखाए अपनी वीडियोज में दी आप फॉर्मल कपड़े नहीं पहनते हो, आप कैजुअल पहनते हो। सो मैक्सिमम टाइम्स जब भी मैंने वीडियो शूट किया है ऑफिस में दैट्स ऑन सैटरडे। तो सैटरडे को हम लोगों का नॉर्मली हाफ डे होता है एंड वी आर अलाउड टू वेयर कैजुअल्स ऑन सैटरडे। हाउएवर अभी हम लोग का डेट एक्सटेंड हुआ टिल 15th of February, रिटर्न फाइलिंग एंड एनुअल फाइलिंग वगैरह। सो अभी सैटरडे हो या संडे हो कोई हाफ डे फुल डे कुछ नहीं है, वी आर वर्किंग लाइक डॉग्स। सो दिस वॉज इट।
वेल अभी आई एम वेरी हंग्री आई नीड टू गो विद मॉम बिकॉज मैंने आज ऑफिस में कुछ नहीं खाया बिकॉज मम्मा के हाथ से खाना है सो देखते मम्मी कहाँ है मेरे को बहुत भूख लगा है हेलो हाउ आर यू हाउ इज योर डे गुड गुड वैसे हम लोगों को अभी घर नहीं जाना वी नीड टू गो टू स्विमिंग पूल बिकॉज मम्मी वहाँ पर सिंजू को वॉक कराने गई है आज मेरा चैलेंज चल रहा है आई विल बी ईटिंग एनीथिंग व्हाटएवर आई विल ईट विद द हैंड्स ऑफ माय मॉम सो मम्मी तो थी नहीं ऑफिस में इसलिए डिड नॉट हैड डू दिस काइंड ऑफ चैलेंज एवरी डे राइट देन यू विल रिड्यूस यू विल बी फिट एंड फाइन हेल्दी आई एम हेल्दी इट्स जस्ट आई एम ओवरवेट राइट नाउ ओवरवेट मींस हेल्दी हां ओवरवेट हां ओवरवेट मींस हेल्दी आजा सिंजू कम फनी हेलो हेलो किसके पास जाएगा सोच रहा किसके पास जाएगा हेलो क्या बोली पूरा ऐसा लग रहा है एकदम बहुत सुंदर से गई मैं आई बिकॉज़ मेरे को भूख लग रहा है बहुत तेज मेरे को कुछ खिलाओ प्लीज चलो चलो सो अभी शाम के टाइम पे आई हैव कम टू स्विमिंग पूल सोले के पास दिस इज अ प्लेस कॉल्ड यमीज ये यहाँ पर काफ़ी फेमस है फॉर द कबाब्स एंड रोल तो ये हम लोग यहीं पर थे तो वी थॉट ऑफ ईटिंग हियर सो यहाँ पर हम लोगों के पास है चिकन स्टीम मोमो लुक्स वेरी टेम्पटिंग देन वी हैव टंगड़ी कबाब नाउ दिस इज अ थिंग विच वी ऑलवेज ईट वेन एवर यू कम हियर यहाँ पर ग्रीन चटनी रेड चटनी सैलेड यहाँ पर इसका सूप तो अब मम्मी मेरे को खिलाएगी मैं मम्मी वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ द रीजन You don't usually get to wear kurtis and all. Every time I record her when wearing nighty. So my relative has started watching my videos because of you people love and support. So my mom was like, "Aaj to main nighty nahi pehnungi. Nighty mein mere ko record hi mat karna." Spicy hai, bahut tasty hai. Main rolo khawa na. Wo mera hai. Abhi mere ko mang mang ke khana padega. Bahut spicy hai. Chal roll bhi kha le. So idhar hai hum log ke paas. Roll. Double egg. डबल एक चिकन रोल जो बिट्टू के लिए था मेरे को खाना था पानी पानी मम्मी तो ऐसे खिला रही देख अवार्ड मम्मी तो ऐसे खिला रही जैसे शादी में नहीं होता है वीडियोग्राफर वीडियो कर रहा है कड़वा चौथ का खाना ओ देखो कड़वा चौथ इसका मोमो इज वेरी 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 टेस्टी स्पाइसी फुल ऑफ फ्लेवर्स फैबुलस मोमो अब मम्मी मेरे को खिलाएगी तंगड़ी कबाब डोंट वरी मम्मी आराम से खाएगी मम्मी बोली वीडियो खत्म हो जाएगा तेरा तेरे को पहले खिला लूँ उसके बाद में आराम से खा थोड़ा मुश्किल हो रहा है मम्मी के हाथ से अभी खाना ऑनेस्टली मेरे को बहुत मजा आ रहा है आज के चैलेंज आपको कैसे लग रहा है मेरे को खिलाने बहुत मजा आ रहा है कुछ भी भूख नहीं लग रहा आपको ना ना बच्चा खाते हैं तो माँ को भूख नहीं लगती पूरी बाबा देखिए गौर से सब कैसे खा रहा है आपके हाथ से खाई बोल के हड्डी नहीं चबा पाई मैं दूसरा दिन मैं अच्छे से हड्डी चबाऊंगी बिकॉज इस कबाब का ना हड्डी बहुत मेन अच्छा होता है खेरम कहते हैं तुम्हारे आज को खूब सुंदर लगता है मगर कुर्तीटा खूब भालो हेलो व्हाट हैपेंड कोई नहीं दे रहा आपको हाँ क्या हुआ चिंजुबा खाना है चिकन चिकन खाना है पुनी ले ले पुनी ले सो हम लोग जस्ट अभी घर घुसे हैं एंड हम लोग जब आ रहे थे तो हमारे एकदम मेन रोड पे देयर इज अ लिटिल शॉप वो छोटा सा चिकन पकौड़ा लोटे माचेर फिश फ्राई और व्हाट भी बहुत कुछ बेचता है वो भैया की माचेर चॉप हाँ बहुत कुछ तो उसका हम लोग मैं पहले लोटे माच खाती नहीं थी बट नाउ आई हैव स्टार्टेड लविंग उसका खाने के बाद से लव द लोटे माच सो वी हैव गॉट लोटे माच एट 10 रुपीस और 15 रुपीस का भी है सो दिस इज लोटे माच क्रिस्पी लाइक बटर फिश फ्राई जैसा होता वैसा है ओ ओ मम्मी मोच मोचे
दारुन कोच कोचे क्रिस्पी सॉफ्ट द फिश इज सो गुड मच मचे अच्छा खाना खा लो उसके बाद सोना बस एवरीथिंग मम्मी के पास हो तो कुछ नहीं चाहिए लाइफ में यू नीड नथिंग इन लाइफ नथिंग आई वांट नथिंग मम्मी पता सिंजो को भी अपने हाथों से खिलाती है अम्मा क्या हुआ चिकन चाप एक सब्जी परोठा प्याज मिर्ची डिलीशियस 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 मम सब्जी पापा बनाया ये पापा ये पापा दोनों ही पापा पराठा मम्मी सब्जी पापा फैबुलस इससे बेटर और लाइफ में क्या चाहिए कुछ मैं सबसे ज्यादा अमीर हूँ मैं अमीर हूँ सबसे ज्यादा क्यों खाना पेट भर के खाती है मेरे पास माँ बाप है तो कोई बात तो एक ही है ना माँ बाप खाना खिला रही है आपको कैसा लगा मेरे साथ पूरा अच्छा दिन अपने हाथों से खिला के अच्छा लगा तुझे कैसा लगा बहुत अच्छा लगा मेरा बस चले तो मैं ऐसे ही आपके हाथ से हमेशा खाती रहूं बाय द वे आपको सूट पहन के कैसा लगा मुझे तो अच्छा लगा नाइटी में आती हूँ नाइटी में सब कोई बोलते रहता है नाइटी में मत आया करो आपकी सास भी बोली हाँ, सब बोलते है तो बोलना कि इट्स कूल इट्स फैशन नाइटी इज द न्यू ब्लैक ऐसे नहीं होता है घर में पहनती हूँ ठीक चलो अच्छा इस बहाने मम्मी मेरे वीडियो में आती रहेगी और मम्मी अब बोली अगर मेरे को वीडियो में लेना है तो पहले ही बोल देना मैं नाइटी नहीं पहनूंगी नाइटी नहीं पहनूंगी सही बात बहुत टेस्टी खाना घर का खाना इज द बेस्ट आई होप आपको बोलो ये वीडियो अच्छा लगा हो अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है जो पापा को आप बोलती हो बोलो क्या बोलती हो नहीं क्यों पापा के वीडियो में तो बोलती इतना नहीं बोल सकते हो ठीक है पापा क्या हमेशा गलत बोलते हैं रीटेक पे रीटेक लेते हो तो मम्मी रेक्टिफाई करती बोलो बोलो ना मम्मी मस्ती बोलो ना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मासी जब कोई मुझे नहीं देखता था ना कोई भी मेरा वीडियो नहीं देखता था माय मॉम एंड मासी वेदवान वो मेरे को हमेशा से सेलिब्रिटी फूडी समझते थे ये प्रियंका टीवी थे आज टीवी थे बोले कि टीवी तो नहीं था यूट्यूब है ये तो इकाने क्यों आस्ते परे थैंक यू सो मच हैप्पी वैलेंटाइन डे मम्मी ऐसे अपने क्लोज वंस के साथ सेलिब्रेट करो एंड इट्स नॉट अबाउट 14 फरवरी एनी डे कैन बी योर बर्थडे एनी डे कैन बी वैलेंटाइंस डे एनी डे कैन बी स्पेशल बस आपको वो डे डिसाइड करना है सब बच्चे लोग अपने माँ का हाथ से ऐसे ही खाते रहो नहीं नहीं ऐसे मत बोलो कि माँ लोग का काम बढ़ जाएगा नहीं नहीं कोई बात नहीं माँ का तो काम ही है बच्चे को बट हाँ अपनी मम्मी का जरूर अपने मम्मी पापा का जरूर बात सुनिए सुनिए डू लिसन टू योर मॉम एंड डैड एंड मम्मी जो बोला करे वो खाना खाया करो करेला खाया करो नीम पत्ता खाया करो ठीक है गाइस अब बहुत हो गया हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आप लोग जाओ आप लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करो हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम टिल देन हैप्पी ईटिंग्स बाय 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 बाय